हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली क्राफ्ट आयशा खानम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, पुराने दिल्ली की मशहूर मटन हारी, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही आप मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मटन हारी बनाने के लिए मैंने लिया आधा किलो मटन, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। साथ ही मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है। तो एक प्रेशर कुकर के अंदर जाएगा ढेर सारा मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे हम अपनी प्याज और प्याज को गोल्डन फ्राई कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम के ऊपर मैं अपने प्याज को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूंगी। तो प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। सेम ऑयल के अंदर जाएगा हमारा मटन, अच्छे से ऑयल के साथ इसे मिक्स कर देते हैं। साथ ही मैंने लिया है ये एक कटोरी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसे। और जाएंगे इसमें हमारे स्पाइसेस। सबसे पहले डाल रही हूँ धनिया पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आएगा एक चम्मच नमक। साथ ही मैंने लिया है ये निहारी मसाला, ये शान दिल्ली का निहारी मसाला आपको किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये एक किलो का मसाला पैकेट होता है, मैं इसे आधा डालूंगी। अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर देते हैं। और अब इसके अंदर जाएगा हमारा पानी, तो 3 से 4 गिलास इसके अंदर हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें जो गोश्त है वो काफी अच्छे से गलाना है। और अब 7 से 8 सीटियों में इसे हम पका लेंगे। तो साथ ही मैंने लिया है ये रोस्टेड चने, ये चने थे भुने चने, इसको मैंने तवे पे और ज़्यादा अच्छे से थोड़ा सा और भून लिया है और इसको पीस के हम पाउडर बना लेंगे। साथ ही इस गोल्डन प्याज को भी हम पीस लेंगे। तो गोश्त हमारा काफ़ी अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जाएगी हमारी ये भुनी प्याज जिसका हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था। और 1 कप जाएगी इसके ऊपर दही। सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और काफी अच्छे से भून लेंगे इसे हम। तो गोश्त हमारा काफी अच्छे से भून चुका है, इसके ऊपर जितने भी रोगन है उसे हम उतार लेंगे, एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो सारे रोगन को मैंने निकाल लिया है। तो इसके जो हमारा ये ग्रेवी बची है इसके ऊपर जाएगा हमारा ये भुने चने का पाउडर जो हमने पीस के तैयार किया था, और अब इसके साथ इसे हम भुनेंगे। और इसके अंदर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा पानी, तो जितने भी आपको पतला रखना है या थिक रखना है वो आपके ऊपर है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूंगी और अब पानी के साथ थोड़ा सा और हम पका लेंगे। तो 5 से 10 मिनट इसे हम और पकाएंगे और उसके बाद हमारी ये नहारी एकदम बनकर तैयार है। तो ये मैंने बारीक लच्छे अदरक के काटे हैं, बारीक हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू काटा है। तो एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं अपनी नहारी को। और अब इसके ऊपर जाएगा हमारा ये रोगन जो हमने अलग निकाल के रखा था, थोड़ा सा डाल दे इसके ऊपर हरी मिर्च, बारीक अदरक के लच्छे और धनिया डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छी लग रही है हमारी ये पुराने दिल्ली की मशहूर मटन नहारी की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।